मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे इतनी दूर यहाँ पे पहुंचे। आज की जो प्रेस वार्ता है, आपने देखा कि एक मर्डर होता है अवतार सिंह का, उसके बाद प्रशासन जागता है और लैंड ग्रैबरों पे शिकंजा कसता है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही जम्मू में लैंड ग्रैबर है गोला शाह? उसके पीछे या उसके जैसे जो लैंड ग्रैबर है वो भी किसी का जब मर्डर करवाएंगे या किसी का मर्डर होगा तो उसके बाद प्रशासन जागेगा? मैं आज लैंड ग्रैबरों की सूची आने वाले दिनों में नाम लेकर सबके बताऊंगा, लेकिन आज भी तीन चार लैंड ग्रैबरों जो बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के लैंड ग्रैबर हैं उनका नाम लेने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर जो कि व्हाइट कॉलर में जाकर बैठा हुआ है वो है तवी बिहार एमडी भारत भूषण। तवी बिहार एमडी भारत भूषण जेके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन, जेके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन जिनके एमडी भारत भूषण जी हैं, आप सबको पता ही नहीं कि उस इंसान ने गवर्नमेंट लैंड जेडीए की लैंड में फ्लैट भी बनवा दिए, प्लॉट भी सेल कर दिए जेडीए की लैंड पे, और वो आज भी कई प्लॉट सेल कर रहा है और बजालता में भी उसने नहीं छोड़ा, वो बजालता में भी जेडीए की लैंड जो है वो सेल कर रहा है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द ठीक 7 दिन के बाद मैं इसकी पूरी गाथा आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही नाम लेने लग पड़ा बाकी लैंड ग्रैबर बच जाएंगे, तो इसकी पूरी गाथा जो है वो 7 दिनों के बाद विद प्रूफ आपको बताऊंगा। प्रूफ मेरे पास आ चुके हैं, मैं आपको सारी गाथा इसकी बताऊंगा। एमडी भारत भूषण सीबीआई इंक्वायरी हो, वहां पे करोड़ों रुपया जेडीए ने इससे लेना है और कई गुना प्लाट वहां पे इसने सेल किए हुए हैं, वो इसकी इंक्वायरी हो सीबीआई की। उसके बाद आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक लेडी बेचारी कृष्णा बंती एक लेडी थी, रिफ्यूजन थी। उस लेडी के हस्बैंड का नाम था वाइफ ऑफ वो विडो है इस टाइम डिप्टी राम मुजफ्फराबाद की थी। उससे 16 कनाल बंदू रख में खसरा नंबर 48 की जमीन अलॉट होती है, रूल है, होती है रिफ्यूजन को, बड़ी लीगल अलॉटमेंट हुई ये वाली। लेकिन उसी का एल फॉर्म कुछ लैंड ग्रैबर और कुछ लोग रेवेन्यू के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, उसी के एल फॉर्म की अटॉर्नी ली कोर्ट में। अटॉर्नी लेने के बाद उस जनाब ने एक जमीन जो है मुट्ठी बरनाई में 48 कनाल जमीन खसरा नंबर 664 और 663 प्लस फ्लोरा में 48 कनाल जमीन जो है वो अलॉट करवा ली। एल फार्म के ऊपर दूसरी जमीन भी अलॉट होगी, जबकि एल फार्म के ऊपर एक ही जमीन अलॉट होती है, एक ही टाइम में अलॉट होती है। और कृष्णा बंती को पता भी नहीं था। ठीक, तीसरा यहां पे भी इनकी भूख नहीं मिटी लैंड ग्रैबरों की। इसी कृष्णा बंती के नाम के अल्फाम के ऊपर एक और जमीन 30 कनाल 16 मरले मरले जमीन लॉट होती है दिल्ली मेन रोड गंग्याल में 100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है जो गवर्नमेंट की इन्होंने खा ली, जो 100 अरब रुपया इनका खाया है, जबकि एफसीआई का ऑर्डर है इंतकाल बरनाई की जमीन के भी खारिज है और दिल्ली जो मेन रोड गंग्याल की जमीन है उसके भी खारिज है। उसके बाद भी आप मुझे बताइए, उसके बाद भी विजिलेंस जो है वो चलान पेश नहीं कर रही। आखिर विजिलेंस के ऊपर किसका प्रेशर है? शक्ति पाठक जी, बड़ी उम्मीद है मुझे, क्योंकि शक्ति पाठक जी जैसा ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर मैंने नहीं देखा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1-2 दिन के अंदर मैं उनसे खुद मिलूंगा और पूरा चिट्ठा बताऊंगा, क्योंकि इसमें कौन से खसरा नंबर के इंतकाल खारिज हुए हैं आप भी सुन लीजिए। खसरा नंबर 7781 781 6 कनाल 10 मरला जमीन के अलॉटमेंट इंतकाल खारिज हुए हैं। फिर खसरा नंबर 817, खसरा नंबर 822, खसरा नंबर 826, खसरा नंबर 1010,
और ये 33 कनाल 16 मरले जो जमीन है इसको एफसीआई ने भी बोल दिया, इसको गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि ये जो जमीन है ये एक फ्रॉड है, ये कोई जमीन हमने अलॉट नहीं की हुई। तो ये आप यकीन माने इसकी रजिस्ट्री कहां पे हुई, इसकी रजिस्ट्री किस पटवारी ने करवाई, वो है महेश चंद्र शर्मा। कौन? महेश चंद्र शर्मा पटवारी था उस टाइम, और आज 2 साल पहले नाइब तहसीलदार ये रिटायर्ड हुआ है, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े से तहसीलदार और नाइब तहसीलदार और पटवारी ये सब मिलजुल कर लैंड ग्रैबरों के साथ और बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ मिलकर ये नेक्सस चलाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है अगर सरकार इस टाइम इनिशिएटिव ले रही है तो एक भी लैंड ग्रैबर नहीं छोड़ा जाए। आने वाले दिनों में मैं एक एक लैंड ग्रैबर का नाम लेकर आपको बताऊंगा, जिस तरह आज मैंने 2-3 लोगों के खसरा नंबर बताए। तो इस तरह कृष्णा बंती के साथ भी धोखा हुआ, 100 अरब रुपए की जमीन गंगयाल मेन रोड पे शोरूम बने हुए हैं, पेट्रोल पंप बने हुए हैं, वो सारी की सारी जमीनें जो है वो सरकार ने खारिज कर दिए, इनके इंतकाल एफसीआई ने रिपोर्ट दे दी, बरनाई की जमीन में रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद भी ये जमीन सरकार वापस क्यों नहीं ले रही, इनसे पैसा क्यों नहीं ले रही, क्यों गरीबों के जो किराएदार लोग हैं उनको प्लॉट नहीं बांटे जाते। आपने पिंचने बंद कर दी, गरीबों को प्लाट नहीं दिए, लेकिन 100 अरब रुपए जो सरकारों ने इनसे लेना है वो सरकार इनसे पैसा नहीं ले रही, इनकी जमीनें खाली नहीं करवा रही। वहीं पे मैं आपको बात करूं, एक और खसरा नंबर है, वो आप यकीन मानिए कि 35 साल कोर्ट में केस लड़ता है एक आदमी प्राइवेट जमीन के ऊपर, गवर्नमेंट को कहता है यो मेरी जमीन है, लेकिन गवर्नमेंट वो केस जीत जाती है। और आप यकीन मानिए कि अभी भी 19 खसरा नंबर 19 छन्नी कमाला प्राइवेट पार्टी केस हार जाती है, गवर्नमेंट केस जीत जाती है, उसमें अभी भी 5 कनाल जमीन जो है वो खाली पड़ी हुई है। लेकिन हमारे तहसीलदार बहू और हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के जो इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर है उन्होंने 2021 में एप्लीकेशन दे दी थी कि हमें ये जमीन की डिमार्केशन दी जाए ताकि 5 कनाल जो जमीन बची है कम से कम वो तो सरकार को मिल जाए। लेकिन नहीं, तहसीलदार बहू और ये बहू का जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये जनाब उसको आज तक डिमार्केशन नहीं दे रहे। और मैं बहू रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर एमडी भारत भूषण की किसी ने भी अंदर से हेल्प की, अगर तभी बिहार के अंदर कोई भी अगर इलीगल किसी तरह की डिमार्केशन हुई तो ये यकीन मानिए मैं फोटो दिखाकर उस इंसान को एक्सपोज करूंगा। आने वाले दिनों में इन लैंड ग्रैबरों की सूची जितनी जितनी मेरे पास आती जा रही है मैं सब कुछ बताता जाऊंगा। और गोला शाह अकेला नहीं था, गोले शाह के साथ इनका जो स्टार्टअप था, इनको जो पीछे बैठा हुआ था मजीद नाम का इंसान, आपने देखा होगा सिद्रा में सारे रेस्टोरेंट तोड़ दिए गए, सारे रेस्टोरेंट खत्म कर दिए गए, लेकिन एक रेस्टोरेंट चल रहा है वहां पे, वो मजीद का रेस्टोरेंट है। क्यों चल रहा है? उसने स्टे ले लिया। क्या बाकी जो रेस्टोरेंट वाले थे वो स्टे नहीं ले सकते थे? जब डीसी साहब ने बोल दिया कि वो इलीगल जमीन है, वो जमीन जो है उसका इंतकाल खारिज हो चुका है, तो वो रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? जबकि वो गोले शाह के साथ क्लब, जो ग्रेटर क्लास में क्लब है, उसमें भी इन्वॉल्व था वो बंदा, तो उस इंसान के ऊपर एक्शन क्यों नहीं? और तो और फारूक अब्दुल्ला साहब की कोठी जो खसरा नंबर छह में पड़ती है और 21 खसरा नंबर की रजिस्ट्री किसने करवाई? मजीद ने करवा के दी, जो गोले शाह का पार्टनर था। इन लोगों पे इंक्वायरी कब होगी? ये लोग कब अंदर होंगे? ये लोग कब जेल में होंगे? आप एक गोले शाह के पीछे तो पड़े हो, उसको तो जैसे तैसे आपने कवर कर लिया, लेकिन जो उसके पीछे उसको संभालने वाले, उसकी सपोर्ट करने वाले लोग, उसके साथ पैसा खाने वाले लोग, उसके साथ जमीनें हड़पने वाले लोग, उनको भी अंदर किया जाए, उनको भी पीएसए लगाया जाए, उनको भी जेल में ठोका जाए और सरकार अपनी जमीनें जो है इन सबसे वापिस ले। धन्यवाद।